स्टार्ट कीजिए। कृतिका, कृतिका आप ध्यान से सुनेंगे, यस मैम। आफ्टर दैट योर टर्न विल बी देयर। ओके दिव्यांशी, स्टार्ट नाउ। यस मैम। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना एक बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है किसी के लिए भी, जैसे कि मैं। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी भी कुछ भी नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। ओह वेल, इट डजंट मैटर। ओह कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मैं लिखने के लिए फील करती हूँ और मुझे ये चाहिए भी। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास लोगों से भी ज्यादा पेशेंस होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मैं अकेला महसूस कर रही हूँ, बोर और अकेली। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सच में पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होती है और मुझे एक सच्चा फ्रेंड भी चाहिए, जैसे कि मुझे मेरे 13 बर्थडे में डायरी मिली है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं डायरी के पास आती हूँ जो मेरे पास है, और मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियर। अब मुझे ध्यान से देखो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अभी कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस पूरी दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर। मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं और एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और ऐसे लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरे पास एक फैमिली है, लविंग आंट्स हैं और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माय वन ट्रू फ्रेंड। मेरे पास इस दुनिया में सब कुछ है सिवाय एक अच्छे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। और मैं ये सब तब सोचती हूँ जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम बिता रही होती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी ही गलती है। एंड वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर कि हमने एक दूसरे से इतने अच्छे से बात नहीं की। इन एनी केस, किसी भी सिचुएशन में That's just how things are, and unfortunately, they are not able to change. This is why I have started the diary. और ये शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने उनसे कभी भी अच्छे से बात नहीं की, और इसलिए मैंने एक डायरी लिखना स्टार्ट की है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary. इस डायरी की इमेज को बढ़ाने के लिए मैं इस डायरी में फैक्ट्स नहीं लिखना चाहूंगी the way most people would do, जो कि ज्यादातर लोग लिखते हैं। But I want the diary to be my friend. मैं डायरी अपने फ्रेंड बनाने के लिए चाहती हूँ। And I am going to be called this friend Kitty. और मैं इस फ्रेंड को Kitty नाम देना चाहती हूँ। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कोई भी इन बातों को नहीं समझ पाएगा जो मैं इस डायरी में लिख रही हूँ।
क्योंकि इसमें मैं अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच लिखने वाली हूँ जो कि मुझे पसंद नहीं है. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. मेरे पापा जो कि सबसे ज्यादा एडोरेबल फादर हैं जितना कि मैंने देखा है. स्टॉप दिव्यांशी, स्टॉप. रजिस्ट्रेशन नंबर 88. यस मैम. एक्सप्लेन मुझे. अगेन हाँ जी, फ्रॉम स्टार्टिंग नाउ. यस डेफिनेटली. यस बच्चे, यस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. From the Diary of Anne Frank is an autobiography of a young Jewish girl who wrote her thoughts in a diary. At first, she felt it was a strange experience to write a diary. She believed that no one in the future would be interested to read about a 13-year-old schoolgirl experience from her diary. She thought a sentence that paper was Vapor has more patience than people when she was tired and little depressed. And then she think, yes, paper has more patience than people. She was not alone. She have loving parents and 16-year-old sister and a grandmother. About 30 people she call friends, but expect her true friend. However, she still decided to write her thoughts in a diary and named it Kitty. She considered her diary to be a true friend. Now she tell about her family, about her father. Her father was most loving and adorable father, did not marry her mother when she was 36 and he was 36 and she was 25 years. Her sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926, and Annie was born on 12 June 1929. She lived in Frankfurt when she was 4 years old. Her mother and father went to Holland in September, and Annie and her sister Margot sent to Eching to stay with her grandmother. In Eching, she started to went Montessori nursery school. She stayed there until she was six. She was in the first form. In the sixth form, her teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. In the summer of 1941, her grandmother fell ill and had to have an operation. So her body passed with small celebration. Her mother died in January. Now she started to write a diary in the Saturday, June 1942. She started, "Dearest Kitty," she wrote that her entire class was nervous because the fourth coming meeting is coming, in which the teachers have to decide who will pass and go to the next class and who will fail and stay in this class. Half class is making bets. Annie and her friend laugh at them and try to calm them down. She said, "I'm not worried about my friends and myself. We will do it." What? She is not sure about her one subject, that is math. Anyway, all we can wait. And she wrote about her teachers that there were 9 teachers, 7 men and 2 women. Mr. Kiesing, math teacher, he did not like Annie because he talked so much in the class. After several warnings, he gave her extra homework and essay on the chatterbox. She wrote the title in her diary and put her notebook in her bag. On that evening, after she had finished her homework, she saw that notebook in which she wrote that title assigned by her teacher. She thinking about that, and suddenly she had an idea. She wrote 3 pages and was satisfied. She said that talking is the trait of the students, but I would never be able to cure myself because my mother talked as much as I did. Mr. Kiesing laughed at her thoughts and arguments. He assigned her second essay, An Incorrigible Chatterbox, because she talking in class while
chapter 2 was going on. She will talk for two whole lessons, and during the third lesson she had finally talked. Mr. Keating gave a punishment to write an essay on quack quack quack. It was the time to write something original. She take help with her friend Sunny, who is good at poetry. Now she wrote an essay in she wrote about this topic as a poem, and that poem is about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were killed by their father because they quacked too much. After reading the poem, Mr. Keating understand this poem and deeply. Then Annie have been allowed to talk in the class. Mr. Keating always making jokes and fun with students. Very good, very nice. Beautifully you explained the full lesson. In this way everyone have to explain. देखिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक 9 मार्क्स का आएगा, एक 5 का आएगा इस बुक से, और एनी वाले चैप्टर से 100% किसी एक सीरीज में लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है. हर्ष, आर इन द क्लास? यस मैम. यस बच्चे, समराइज द फुल लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. द नेम ऑफ द लेसन इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड द राइटर इज एनी फ्रैंक. She born on 12th June 1929. In this lesson, she tells about his autobiography. She said that writing in a diary is a really strange experience for someone like me. She was a German-born Jewish girl. She said that paper has more patience than people. She thought of this saying on those days when she was feeling a little depressed. She like writing. She doesn't have a true friend, but she have a good family, loving aunts, and a 16-year-old sister. And also she has a good home. She wants the diary to be a friend, and she called this friend Kitty. She said that my father is the most adorable father. He didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. And she tells about his grandmother. She said that in the summer of 1941, his grandpa fell ill and have need an operation. So his birthday passed with little celebration. His grandma died in January 1942. Annie Frank, his grandma Annie Frank loves his grandma. She tells us about his school life. She said that one day our entire class was nervous. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which teacher decide who will move up to the next class and who will be kept back. Maximum students making bets. Annie and her friend Jean were laugh silly at two boys behind us, Cian and Jacques, who have stacked their entire holiday saving on their bets. She also said that teacher are the most unpredictable creature on earth. Mr. Keating, the old fogey who teaches maths. Okay, Harsh. He was annoyed with Annie. Okay, Harsh. Stop, bache. Okay, today your test will be there of application for fee concession. So write down, give heading in your rough notebook, write an application to your principal, write fast. Write an application to your principal. Write an application 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 to your principal. Principal की spelling सभी correct लिखेंगे, PRINCIPAL. Maximum students PLE लिख देते हैं, PAL होता है principal, जिसे आप प्रधानाचार्य कहते हैं.
write an application to your principal, comma, requesting him to, requesting, 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 पहले रिक्वेस्ट लिखना है फिर आई एन जी लगा देना, आर ई क्यू यू ई एस टी आई एन जी, रिक्वेस्टिंग हिम एच आई एम हिम टू टी ओ टू ग्रैंट ग्रैंट यू फुल फी कंसेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड प्रिंसिपल कॉमा रिक्वेस्टिंग हिम टू grant you full fee concession. Written? Yes. 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 Okay. So write down the principal. The principal. Principal ka P bhi capital aayega because this is specific noun. This is proper noun. The principal, अपने स्कूल का नेम लिख दीजिए हिमालयन पब्लिक स्कूल, जिसे नेक्स्ट लाइन में लिखना है नगरोटा भगवान. पहले द प्रिंसिपल लिखो फिर कॉमा लगाओ फिर उसके नीचे हिमालयन पब्लिक स्कूल, फिर उससे नीचे आ जाओ देन लिखो नगरोटा भगवान. रिटन एक लाइन छोड़ेंगे अब. ये फॉर्मेट है लेटर को लिखने का तो ये सही होना चाहिए. ठीक है, आपने पहले द प्रिंसिपल लिखा फिर स्कूल का नेम लिखा फिर नेक्स्ट लाइन में आपने प्लेस लिख दिया. अब एक लाइन लीव कर दीजिए उसके आगे आप डेट लिखिए. एक लाइन छोड़ के आपने डेट लिखनी है दैट इज 24th of June 2021. लाइन छोड़ दीजिए फिर से देन राइट डाउन सर 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 और मैम कुछ भी लिख सकते हैं आप. फिर से एक लाइन छोड़िए आगे के he was डेटेड लिख दी ना आपने. यस मैम. डेटेड के बाद आपने फिर से एक लाइन छोड़नी है. सर लिख दिया. यस. फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप और ये पैटर्न आपका प्लस टू तक चलेगा क्योंकि प्लस टू तक आपके सिलेबस में लेटर्स रहते हैं. ठीक है, टेंथ में आपको 7 मार्क्स का रहेगा, प्लस वन प्लस टू में आपको 8-8 मार्क्स का आएगा. तो फॉर्मेट सेम ही रहता है. तो फॉर्मेट अब आपने यही रखना है. सबसे पहले आपने डेजिग्नेशन दे दी द प्रिंसिपल, देन स्कूल नेम दे दिया, देन आपने जगह का नाम दे दिया, देन आप एक लाइन छोड़ेंगे. आफ्टर दैट डेटेड आएगी. डेटेड लिखनी कैसे है मैंने पहले भी बताया है. कोई भी स्लैश लगा के इंग्लिश के लेटर में जो है वो डेटेड नहीं लिखेगा. कैसे लिखेंगे आप 24 देन जून देन 2021. ऐसे कोई नहीं लिखेगा कि 24/06/21. ये जो है वो इंग्लिश में ये वाली डेटेड जो है वो रॉन्ग मानी जाती है. ठीक है सर. सर के बाद आपने एक लाइन छोड़ी. अब लिखिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द 10th class of your school. Of your school. Spelling कोई नहीं पता चलेगी मेरे से पूछ लेंगे. I am a student of the 10th class of your school.
कोई भी टेन नहीं लिखेगा, टेन के साथ टी एच आप जरूर लगाएंगे। स्टॉप के बाद लिखेंगे माय फादर इज अ पुअर मैन। ही माय फादर इज अ पुअर मैन। माय फादर इज अ पुअर मैन फुल स्टॉप। ही वर्क्स एज अ पियॉन इन अ लोकल फैक्ट्री। आप कोई भी रीजन दे सकते हैं, जरूरी नहीं है पियॉन ही लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ही वर्क्स डब्ल्यू ओ आर के एस वर्क एज अ पियॉन पीईओएन पियॉन इन अ लोकल फैक्ट्री। He works as a peon in a local factory. Full stop. He gets only rupees 5,000 per month. He gets only rupees 5,000 per month. He has a large family to support. कहीं छूट जाएगा तो बीच में पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब गलत ही लिख देना है। He has a large family to support. He has a large L-A-R-G-E large family F-A-M-I-L-Y family to support S-U-P-P-O-R-T support. He has a large family to support. Full stop. We have no other source of income. We have W-E-V have H-A-V-E have no other source N-O no other O-T-H-E-R other source S-O-U-R-C-E source of income I-N-C-O-M-E income. We have no other source of income. Full stop. Sir, I am one of the good students. I am one of the good students of my class. या आप सीधा भी लिख सकते हैं, सर आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड प्लेयर। ठीक है, सीधा लिखिए, सर आई एम वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स, आई एम वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। मैं अपनी क्लास के बच्चों में सबसे अच्छे बच्चों वाली श्रेणी में आता हूं। सर कॉमा आई एम वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। हैव यू रिटन? यस। अभी लिखिए आई हैव I have always done well in my examinations. I have always. Ma'am, I have. Yes, बच्चे. बोलो. Ma'am, clear. Not audible, बेटा. I have. I am. Ma'am, आपने I have क्या आगे क्या बोला? I have always. A L W A Y S. Always. I have always done, D-O-N-E, done well, W-E-L-L, well, in my examinations. I have always done
well in my examinations. 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 I am in the I am in the cardo. देखो लास्ट ईयर कॉमा आई वॉज अ फ्री स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट ईयर कॉमा आई वॉज अ फ्री स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस चिल्ड्रन? लास्ट ईयर आई वॉज अ फ्री स्टूडेंट, हम लास्ट ईयर में फ्री में पढ़ता था. यस, लास्ट ईयर कॉमा आई वाज अ फ्री स्टूडेंट. कई बार कुछ स्कूल्स होते हैं वो फैसिलिटीज देते हैं कि कुछ बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक ना हो और वो पढ़ने में अच्छे हों, तो कुछ स्कूल जो है वो ऑफर्स देते हैं कि इस बच्चे की जो एजुकेशन है वो फ्री होगी. ठीक है, आई वॉज अ फ्री स्टूडेंट. Kindly grant me full fee concession this year also. Kindly grant me मतलब इस वाली application में ना आपके पास hundreds of reasons मिल जाएंगे. If you want to write something different, you are totally free to write that. Rajneesh, कहाँ देख रहे हो आप? Last year, comma, I was a free student, full stop. Kindly grant me, grant, kindly grant me full fee concession, FEWL, full fee, FEE fee, concession, CONCESSION. This year also. This year also. I shall be highly thankful to you. I shall be highly thankful. HIGHLY highly thankful. THANKFUL thankful to you. I shall be highly thankful to you. अब एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखेंगे yours obediently. Obediently हम क्यों लिख रहे हैं? हम truly या कुछ और क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि यहाँ पे आपको एक student assume किया गया है. कई बार letter ऐसा भी आता है जिसमें आपको जो है वो कुछ और assume किया होता है student ना होकर, तो वहां पे आप yours truly लिखेंगे. यहाँ पे आपको बोला है कि आप एक स्टूडेंट हैं एंड राइट द एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल. अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखो जिसमें रिक्वेस्ट करो सो दैट ही और शी कैन गिव यू फुल फी कंसेशन, ताकि वो आपको पुलिस माफी कर दें. तो आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या लिखेंगे? योर्स ओबीडियंटली बाय URS, और योर्स में एपोस्ट्रॉफी कहीं नहीं लगेगी. योर्स ओबीडियंटली, ओ बी ई DIENTLY obediently. अपना अपना नेम लिख दीजिए इसके नीचे सभी. Written? Yes ma'am. Yes ma'am. इसके नीचे अपनी अपनी क्लास लिख दीजिए. क्लास लिख दीजिए 10th. A है, B है, C है, D है, जो भी है. लेकिन 10th कैसे लिखेंगे आप? कोशिश कीजिएगा कि रोमन में ही लिखेंगे आप. ठीक है, दूसरा भी गलत नहीं है पर रोमन में लिखो तो ज्यादा बेटर लगता है. आई रिपीट अगेन, द प्रिंसिपल हिमालयन पब्लिक स्कूल नगरोटा भगवान. आफ्टर दैट आप लाइन लीव करेंगे, देन आप डेट लिखेंगे, देन फिर लाइन आप छोड़ेंगे. सर अगेन लीव द लाइन. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास ऑफ योर स्कूल. माई फादर इज अ पुअर मैन. ही
works as a peon in a local factory. He gets only rupees 5,000 per month. He has a large family to support. We have no other source of income. Sir, I am one of the good student of teachers. Or I am a one of the good student. I have, अगर आपने नहीं भी ये लाइन लिखी है तो कोई बात नहीं. I am one of the good students of my class. I have always done well in my examinations. Last year I was a free student. Kindly grant me full fee concession. CONCESSION concession this year also. I shall be highly thankful to you. Yours obediently XYZ. जो भी आपने अपना नेम वहां पे write down किया है then आपकी class आ जाएगी. In this way this is your application for full fee concession. और इसका जो है वो आपको मैंने क्या दिया था लिखवाने की मुझे जरूरत नहीं थी. आपने 9th मतलब बहुत छोटी क्लासेस से आप ही करते आ रहे हैं बट यूजुअली इन 10th स्टैंडर्ड सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो फाइनल टर्म में आपसे पूछी जाती हैं. ठीक है, समटाइम माय बेस्ट फ्रेंड भी आपसे पूछा जाता है. तो आपने छोटे छोटे टॉपिक्स को भुलाना नहीं है और आपने जो है वो इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है. टाइमिंग मैंने आपको दे दी है 4 to 7 इन द इवनिंग. ओके कृतिका, जरा रीड आउट करना क्या लिखा आपने. कृतिका 1588. मैम कशिश नॉट कृतिका. कृतिका इज आल्सो इन द क्लास 2164. आपने रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा बोल दिया था. 2164 कृतिका का ही तो है आपका ही है. मैम पहले आपने 1588 बोला था. ओके वो बेटा सिग्नल इशू की वजह से हो जाता है ना. कृतिका आई एम सेइंग टू यू रीड आउट फास्ट व्हाट यू हैव रिटन अबाउट दिस एप्लीकेशन. नॉट ऑडिबल. Not audible. You are not audible. Okay, Kashish. Now it's your turn. Yes, ma'am. Write an application. Write an application to your principal requesting him to grant full fee of concession. The principal, Himalayan Public School, Dongrota Bhagwan. Day 24 June 2021. Sir, I am a student of the 10th class of your school. My father is a farmer and he works as a peon in a local factory. He gets only rupees 5,000 per month. He has a large family to support. We have no other source of income, sir. I am one of the good students of my class. I have always done well in my examination. Last year I was a free student. Kindly grant me your fee concession this year also. I shall be highly thankful to you. Yours obediently, Kashish. Stop. आपने स्पोर्ट बोला ना बच्चे यहाँ पे. ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट. दिस इज नॉट स्पोर्ट, सपोर्ट. सपोर्ट मतलब अलग होता है, स्पोर्ट्स अलग होती है. एक सपोर्ट होता है संभालना, ठीक है, और एक होता है खेल, दैट इज स्पोर्ट. स्पोर्ट्स जिसे आप कहते हैं. सपोर्ट अलग चीज है तो आपने इसको सपोर्ट बोलना है, स्पोर्ट नहीं बोलना है. अगर स्पेलिंग गलत लिखी है तो लिख लीजिए SUPPORT सपोर्ट. कि उनके पास एक बहुत बड़ी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए अपनी, मतलब बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर जिनको उनको पालना है. ठीक है, दैट्स व्हाई मैं जो हूं वो फी नहीं दे सकता. ओके युबिका दिखाओ जरा नोटबुक कहाँ लिखा आपने. यस मैम.